इंदौर के विजयनगर पुलिस क्षेत्र में फर्जी कागजात कर बैंक लोन के नाम पर ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विजयनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर लोगों को सस्ते दामों पर सामान दिलाने का झांसा देकर अलग अलग बैंकों से लाखों रुपए का लोन लेने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के दो साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शहर के अलग अलग बस्तियों में रहने वाले लोगों से सस्ते दामों में सामान दिलाने के नाम पर दस्तावेज लगाकर बैंकों से लोन लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत पीड़ित लोगों ने पुलिस को 5 वर्ष पूर्व में की थी, जिसके बाद एएसपी ने जांच पूरी कर विजयनगर पुलिस को कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। जी सर, बताइए मामले में कितने लोग गिरफ्तार हैं? 2015 में एक जो फाइनेंस कंपनी है उनने कंप्लेंट की थी, जिसमें पाया गया था जांच पर कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनसे लोन सेंक्शन करवाए गए थे। और जब उसकी जांच की गई तो पता चला, अभी तक उसकी जांच चलती रही, सारे दस्तावेज वगैरह जब इकट्ठे हुए तो पता चला कि इसमें एक गैंग थी जो डीलर और एक कंपनी का जो कर्मचारी है उससे मिलकर उनने पूरा ये षड्यंत्र किया था। और जो स्लम्स एरिया होता है वहाँ की ये जो गैंग थी ये बोलती थी कि हम आपको लोन करवा देते हैं बहुत 0% पर। तो वो लालच में आके अपने कागज़ वगैरह दे देते थे, वो कागज़ों को लेकर वो हेरा फेरी करके बड़ी बड़ी चीज़ों का लोन सेंक्शन करवा लेते थे और फिर वो हड़प कर जाते थे। इसके आधार पर ही हमने जो गैंग का मुखिया था जमाल, जो उज्जैन का था, यहाँ का सावेश है, एक टोनी है और एक कन्हैया, ये चार पकड़ा है। उसके बाद जो कंपनी का कर्मचारी है जो उनसे सबसे मिला हुआ था, कमीशन लेता था इन सब चीज़ में घोटाले में, विशाल यादव, उसको भी अरेस्ट किया है। और एक डीलर है जो जिसकी शॉप है उसको भी अरेस्ट किया है। इस प्रकार ये मामला लगभग 40 लाख के घोटाले का पकड़ा है। सर, अभी इसमें और कोई भी लोग इन्वॉल्वमेंट है जो फरार है? हाँ, अभी मतलब इसमें जो जाँच चालू है इसमें 2 लोगों की और अरेस्टिंग हो सकती है। हाँ, FIR में तो नाम है महिला। कब तक उनकी बस जैसे ही जाँच और अभी पूरे साक्ष्य आ जाएंगे तो उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। इसमें कुछ पैसा उनसे बरामद हुआ इस टाइप से जो धोखाधड़ी करी है? अभी दस्तावेज वगैरह बरामद हुए, जो कुछ जो सामान वगैरह लिया था वो बरामद हुआ है, पैसा तो बरामद हुआ। सर, लगातार इस प्रकार की घटना काफ़ी होती, तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई संदेश जाएगा कि इस प्रकार से जो 420 करते हैं गरीब उनके साथ में? 420 जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, उनकी जमानत बहुत दिन तक नहीं होती, 4-6 साल लगता है। जब तक उनके जितना फ्रॉड किया उतना पैसा वगैरह कोर्ट में जमा नहीं करते तब तक जमानत नहीं होती, सख्त कार्रवाई होती है उनके खिलाफ।